Hi viewers, my name is Sahil and you are watching Gamer World. Aaj ki video base hai how to reduce lag and improve performance of farcry new dawn. To is video mein main aapko batane ja raha hu ki farcry new dawn ke lagging ko kaise khatam ki jaye aur game ki performance ko kaise smooth aur behtar ki ja sakti hai. To shuru karne se pehle main aapko bata dun ki video ko last tak zarur dekhiyega warna shayad aapko zara problem ho sakti hai. इस मेथड से आपकी गेम का लैग बिल्कुल खत्म हो जाएगा और याद रहे कि इस टिप के सिवा और कोई तरीका नहीं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं हर दो दिन में ऐसी मजेदार सी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। अपनी फीडबैक के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गो टू द वीडियो पर्पस। सबसे पहले आपको वीडियो पे जाना है। वीडियो पे जाके मैं आपकी वीडियो क्वालिटी चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं। जब आप इस गेम को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो ये गेम आपकी ग्राफिक कार्ड को प्रोसेस करके आपकी ग्राफिक कार्ड के पावर के मुताबिक ये आपकी वीडियो क्वालिटी को फिक्स कर देता है, जिससे आप वीडियो क्वालिटी अगर चेंज भी कर दे तो कोई फायदा नहीं, ये सेम ही रहेगा। इससे आपकी गेम प्ले पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो क्वालिटी यूजलेस है। आपको मैं एक दूसरा तरीका बता देता हूँ जिससे आप लैगिंग बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। आप लोग जाइए डिस्प्ले रेजोल्यूशन पे, जिसमें मैंने 1280 एंड 756 रेजोल्यूशन अप्लाई कर रखी है। मेरी खुद की रेजोल्यूशन है 60,000 एंड 1024। ये मेरे अपनी रेजोल्यूशन है, लेकिन मैंने इसे सबसे मिनिमम रेजोल्यूशन पे अप्लाई कर रखा है, क्योंकि ये इसी रेजोल्यूशन पे लैग नहीं कर रहा था। अगर आप कभी इस रेजोल्यूशन में आप सब रेजोल्यूशन को चेक करें और उस पर गेम पे चेक करें कि अगर इनमें से कोई भी रेजोल्यूशन ऐसा हो जिस पे आप गेम पे बिल्कुल सही हो, तो उसी रेजोल्यूशन पे अप्लाई करके उस पर गेम प्ले कर सकते हैं। तो अगर आपका गेम लैग कर रहा हो तो इस रेजोल्यूशन को कम करके मिनिमाइज करके अप्लाई करें, इससे आपका लैग खत्म हो जाएगा। वीडियो क्वालिटी कम हो जाएगी, लेकिन लैग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वीडियो क्वालिटी के लिए आपको मैं एक दूसरा तरीका बता देता हूँ। आप लोग जाइए इस गेम को मिनिमाइज कर दीजिए और अपने होम स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जाइए और होम स्क्रीन रेजोल्यूशन को बिल्कुल अपने गेम रेजोल्यूशन के बिल्कुल जितना आप अपने गेम में रेजोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं वही होम स्क्रीन रेजोल्यूशन अप्लाई कर दीजिए और फिर गेम को जूम करके देखिए क्या नतीजा निकलता है। तो आप देख सकते हो गेम बहुत सॉफ्ट है, मैं बहुत सॉफ्टली गेम खेल रहा हूँ। अगर आपको कुछ हल्का सा लैग नज़र आए तो वो लैग स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मैं आपको वीडियो बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी वो लैग कर रहा है। गेम बिल्कुल सॉफ्ट है, वो बिल्कुल लैग नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट भी जा रहा हूँ हर जगह। वीडियो क्वालिटी जरा कम है पर लैग बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्टली गेम खेल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो में जरा लैग नज़र आए तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो लैग कर रहा है, गेम बिल्कुल सॉफ्ट है। एक दफ़ा ये मेथड अप्लाई कर दीजिए, अगर आपके लिए ये मेथड काम कर गया वैसे डेफिनेटली काम करता है, 100% 200% काम करता है। अगर आप लोग के लिए अगर फिर भी ये काम नहीं किया, ये मेथड ने काम नहीं किया, तो आप लोग इस वीडियो को बेशक अनलाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर इसने काम किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना फीडबैक बताइए कि मैं आगे किस किस्म की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अभी के लिए खुदा हाफिज़।